नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। हमारे इस फ्री भृगुनंदिनी नाड़ी कोर्स के अंदर आज हमारी चर्चा रहेगी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस या ब्लैंक चार्ट जो ऊर्जा है, एनर्जी है लिब्रा साइन की। और क्योंकि लिब्रा साइन मूल त्रिकोण साइन है शुक्र का, तो शुक्र के गुण और स्वभाव भी कहीं कहीं जो है लिब्रा साइन से काफी हद तक मेल खाते हैं। उसके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी, जिसके बाद हम अपने इस चर्चा में अगले जो एपिसोड्स होंगे उसमें हम आगे बढ़ेंगे कि जब शुक्र का अन्य ग्रहों से प्रभाव होता है या कम्बिनेशन होता है तब जो है क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर आज हम जो अब इस सीरीज में बात करेंगे कि लिब्रा जो असेंडेंट है उसके पंचम भाव की जो ऊर्जा है वो कैसी है। सत्यवीर जी नमस्कार। ठीक है, नमस्ते तो उसमें चाइल्ड का हाउस है, क्या कहता है, क्या उसमें मतलब हमें रिजल्ट्स जो हैं जर्नलाइज देखने को मिलते हैं। साथ ही मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारी जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग अभी शिफ्ट हो गया है, 6:30 बजे शाम का हो गया है। तो कृपया जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 6:30 के हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट करें। और हमारा जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम जूम का लिंक पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि ये फ्री कोर्स जो है सब तक पहुंच सके। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये निशुल्क क्लासेस है, राइट। जी अभी हम आज बात करेंगे पंचम भाव की लिब्रा साइन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पंचम भाव है वो हमारी प्रोजेनी का है, हमारी संतान का है। प्रोजेनी, आप अगर बैकग्राउंड में आपके कामनेस है तो आप अपना अनम्यूट करके रख सकते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि जो भी इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पंचम भाव हमारी संतान का है। तो आप यहां पर देखिए, जो काल पुरुष कुंडली का 11th हाउस है, कुंभ राशि जो है, जिसके स्वामी शनि है, और शनि की मूल त्रिकोण जो राशि है वो पंचम भाव में है यहां पर। और जो पंचम भाव की सिंह राशि है वो 11वें स्थान पर है। ठीक है भाई, थोड़ा बीच में हूं हाँ करते रहें। जी सर, जी हाँ सर, जी सर, ठीक है। मेरा यही है, बिल्कुल लिब्रा साइन है वो पंचम भाव में 11वें राशि है, कुंभ हाँ राशि, और 11वें भाव ठीक पंचम है। राशि हाँ जी, सुनिए जन्म सुनिए, बढ़ तो आज आपके लिए गुड न्यूज है ना, ये आज आप खुश होके जाएंगे। जाए। उस दिन वो अभी आप मैम आई थी। देखिए कि लिब्रा साइन जो है तुला जो राशि है वो स्त्री कारक राशि है। ठीक है, हम स्त्री कारक जो है शुक्र को मानते हैं। शुक्र इंडिकेट करता है फर्टाइल वुमेन, जो कि संतान उत्पत्ति कर सकती। ठीक है, जब फर्टाइल मतलब नहीं है कोई वुमेन जो छोटी एज में है तो वो बुध का रूप माना गया है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहां बताऊं कि यहां पर जो 11th साइन में जा रहा है वो सिंह राशि जा रही है, जो कि क्रिएशन की राशि है। हम कला का कारक भी शुक्र को मानते हैं ना। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली अपना कैम ऑन करते रहें प्लीज, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। अगर आप कैम ऑन नहीं कर सकते तो क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, जी सर, तो जो शुक्र है वो कला का कारक भी है।
11th हाउस जो है हमारे यहाँ गेन्स का घर है। हम जो मतलब प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, वहां उस चीज को वो इंडिकेट करता है। तो बीइंग की जो शुक्र है वो क्रिएशन के वो गेन करना चाहता है, स्त्री कारक है। तो उसका सबसे बड़ा गेन क्या है अकॉर्डिंग, देखिए जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, उसमें हमारे कल्चर का बहुत गहरा असर होता है, देश काल पात्र और परिस्थिति, ठीक है। तो स्त्री जब संतान प्राप्त करती है, क्रिएशन जो है वो स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो वहां ही वो गेन्स पाना चाहती। हर स्त्री को संतान जरूर चाहिए, ठीक है। तो 11th हाउस जो है, तो आप यहां देखें कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है, जब उसने लगन में मतलब उसे कंट्रोल मिला, तो 7th जो 5th हाउस जो है वो उन्होंने शनि महाराज को दे दिया, अपने परम मित्र को, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि, ठीक है, जो सबसे भरोसेमंद होता है ना हमारा, हम उसको सबसे इंपॉर्टेंट काम देते हैं कि भाई ये काम आपको करना है, राइट। राइट ये कार्य जो है आपको करना है, तो शनि महाराज को दी। और एक स्त्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएशन, क्रिएट करना, संतति प्राप्त करना, ठीक है। तो उन्होंने क्रिएशन वाले हाउस को, जिसका काम है क्रिएट करना, उसको अपने लाभ के स्थान पर रखा। तो पंचम भाव का लाभ स्थान पर जाना और लाभ स्थान का पंचम भाव में आना, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को इंडिकेट करता है कि लिब्रा साइन वालों के लिए संतान प्राप्ति जो है वो जरूर होगी। जी सर, बहुत सारे अगर पैरामीटर्स हम देखें, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा संतान के लिए, शुक्र ने संतति को सबसे ज्यादा महत्वता दी। जिस चीज को हम महत्व देते हैं, उसी से हम लाभ पाना चाहते हैं, हम उसी चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहां, हम यही नहीं रुकेंगे कि वो एक संतान के लिए पंचम भाव दिया, उन्होंने क्रिएशन, शुक्र ने क्रिएशन को, उत्पत्ति को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंस दी है, सबसे ज्यादा। मृत संजीवनी है ना शुक्र के पास, जी सर, अगर मृत की जो मृत प्राय हो गया है, थोड़ा हम इस चीज को, एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि मैं सही जा रहा हूं। तारा राजपूत जी प्लीज अपना कैम ऑन करें, ठीक है, विदाउट कैम अलाउड नहीं है क्लास में। तो मृत संजीवनी है शुक्र के पास, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि जब भी कोई इंसान मरता है, उसकी आत्मा अपनी देह से मुक्त हो जाती है, राइट। जी सर, और फिर जब कोई पैदा होता है, तो आत्मा को क्या मिलता है, शरीर मिलता है, ठीक है ना। यस सर, उस आत्मा के पास पहले कोई वो नहीं है, लेकिन जब शरीर मिल जाता है, तो इस संसार के वो भौतिक सुखों को, स्पिरिचुअल चीजों को एक्सपीरियंस करती है, ठीक है ना। जी सर, जी जब शुक्र क्या देता है, जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसको रीजनरेट करके फिर से बॉडी देकर आत्मा को शरीर दे रहा है, कौन दे रहा है, लेडी जो इसके लेडी दे रही है, शुक्र दे रहा है,
मृत संजीवनी का मतलब समझ में आया? जी सर, जी सर, मेरे हिसाब से मुझे जो चीज लग रही है, धन्यवाद। मतलब मैं अपने फ्लो में बोलो। हाँ, हाँ क्योंकि जी फॉर्मेशन वैसे भी कहते हैं सर कि आत्मा पिता से आती है और शरीर माता से मिलता है, तो वही हो गया ना। तो मृत संजीवनी होगी ना, हाँ मृत संजीवनी, जी। पहले मरना पड़ता है फिर वो आत्मा मुक्त होती है। तो इसी साइकिल में चलती है ना आत्मा, कभी कुछ जी बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, है ना? जी कहीं इसी साइकिल में रहती है ना। इसलिए लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो पहले अरे ये मास का बहुत ही मासाधिपति अच्छा। शुक्र को ही मिला था, हाँ पहले जी, मास का मासाधिपति शुक्र को ही मिला, दोनों इसीलिए हाथ था। पहले हैंड रेज कीजिए, आपका सुविधा है, फिर अपना क्वेश्चन बोले। दो दो लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे। हाँ, अब रनीश जी बोलिए। मैं बोला शायद इसीलिए जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले मास का मासाधिपति शुक्र को ही मिला है, क्योंकि उसी से फिर तैयार होता है आगे का देख। अच्छा, तो हम एक मृत संजीवनी की पावर को हो, शुक्र को औषधि का कारक भी बोला गया है, ठीक है? शुक्र को मृत संजीवनी का ज्ञाता भी बोला गया है। जो मृत संजीवनी की पावर है वो शुक्र के पास है, तो जो शरीर है वो माँ दे रही है, शुक्र दे रहा है ना। जी सर, तो आपको समझ आया कि सबसे पहला जो मृत संजीवनी कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन शुक्र के लिए क्या हुआ, जी, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो उसमें आप ये देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, ज्योतिष में डराया बड़ा जाता है। अब डॉक्टर और ज्योतिषी अगर डराए ना ना लोगों को, तो लोग पैसे निकालेंगे नहीं, है ना? है ना? अब वो चीजों को टर्म्स भी ऐसी ऐसी दे दी हैं, बादकेश, मारकेश, बिगेस्ट बादकेश, बिगेस्ट ओके मारकेश। अब जब भाई बोला कि आपकी, तो जी मारकेश की दशा चल गई। अब इंसान तो बेचारा पहली प्रॉब्लम में होता है जब जाता है ज्योतिषी के पास, है ना? अब मारकेश की दशा चल गई, वो मारकेश सुन के वो जो थोड़े बहुत प्राण होते हैं वो वैसे ही निकल जाते, और जाता है मारकेश, पता नहीं अब क्या होगा, ठीक है? तो अब आप देखिए, जैसे 2-7 को फॉर एग्जाम्पल मार्गशीर्ष कहा जाता है। हमारा लगन है, लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो ये देह है हमारी, ठीक है, उसको बोला जाता है, इंडिविजुअलिटी को सिग्निफाई करता है, ठीक है? आज पंचम भाव ही होगा बड़ी तबीयत से, ठीक है? तो यस उसमें अगर आप देखें, मैंने लास्ट क्या बोला था, आई लॉस द लिंक। सर, मार्केश की बात हो हाँ, रही थी। मार्केश वाली बात हो रही थी। 2-7 है, हमारा लगन है। लगन जो है, लगन जब हम इस धरती पे आ गए हैं, हम एज अ बॉडी हम इस धरती के ऊपर हैं, तो हम किन चीजों के लिए प्रयास करते हैं, अपने इस देह का खर्च करते हैं, व्यय करते हैं? रिसोर्सेज के लिए सेकंड हाउस, हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ होना हो, खाना जरूरी है, खाने के लिए सेकंड हाउस, जी सर। कुटुंब बढ़ाने के लिए 7th हाउस, अपोजिट जेंडर से मिलाप के लिए, ठीक है? उसमें जो अगर स्त्री हो या पुरुष है, अगर इस जब दोनों मतलब मिलते हैं, तो एक मतलब जो उत्पत्ति है संतान की, तो स्त्री भी मतलब अपने आप को खर्च करती है ना, व्यय करती है उत्पत्ति के लिए। 2-7 को बोल दिया मार्केश। अब बंदा बेचारा डर जाता है, यार ये मार्केश इतना हैवी हो गया सिस्टम, क्या करें, उसकी दशा चल गई है, ठीक है ना जी? फिर दूसरी बात, दूसरी टर्म, ये ना बहुत शोर होता है अपनी हमारी क्लास में भी, मार्केश बादकेश। तो मैं बोला कि आज इस टॉपिक के ऊपर लगाम लगा दी जाए, ठीक है? दूसरी बात, बादकेश आ जाता है जी एक। अब बोल दिया ये, आप बोला आए ठीक से नहीं हो रही, बोला बादकेश की दशा चल रही है।
11th हाउस की दशा चल रही है, अब सबसे बड़ा बाद केश आई। अब बंदा बेचारा परेशान हो जाएगा, बोले इतने के लगेंगे, तब बाद केश की बाधा दूर होगी। अब बंदा और बेचारा परेशान हो जाता है ना, जी पैसे निकालने ना उसने। फिर अब दूसरी बात है बाद केश, 3, 6, 8, 11, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा बहुत नॉलेज, कोई मेरे से ज्यादा भी नॉलेज रखता है, कोई कम भी रखता है, आप खुद इतने सयाने हैं, आप देखिए जितने ये भाव हैं ये हमारे डिजायर्स के ही हैं ज्यादातर। जी जो हमारे डिजायर्स हैं वो क्या हैं, सबसे बड़ी बाधा। ठीक है, सबसे बड़ी बाधा, मरना कोई नहीं चाहता, 11th हाउस, अपनी देह के देह का लाभ चाहिए सबसे पहले तो, असेंडेंट का, नोबडी वांट्स टू डाई। अब ऐसा कुछ करते हैं लोग, क्रीमें, दवाइयां, औषधियां, जड़ी बूटियां, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि मैं बूढ़ा ना हूं, लंबा से लंबा जी सकूं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते, जी सर, चाहे कोई 80 का भी हो, बिल्कुल वो भी सोचेगा कि कैसा कोई तरकीब लगाई जाए कि भाई फिर से जवान हो जाए, या 30 आगे 30 40 साल इंश्योर हो जाए कि अच्छे से निकले, है ना। या कोई ऐसा ही कुछ हो कि मतलब जाना ही ना पड़े, अमर ही हो जाए, पैसे की लालसा। ठीक है, फिर आप देखिए हम अपना पराक्रम करते हैं, वहां भी हम पराक्रम किस लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। कोई घाटा डालने के लिए अपना पराक्रम करता है? 8th हाउस सीक्रेट एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो हमारा जो ज्योतिष है ना, वो उसका फोकस कहाँ है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो किस चीज को असली गेन मान रहा है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, आध्यात्मिक जर्नी को। ठीक है, जो हमें अध्यात्म आध्यात्मिक तौर पर मुक्ति की तरफ लेके जाए, जो ये जीवन है ना, मानव जीवन है, उसे मुक्ति के लिए माना गया है, कि इंसान अपने डिजायर्स को छोड़कर सबसे पहले किस मार्ग पे चले, मुक्ति के मार्ग पे चले। उसका प्राइम गोल क्या है, जो ऑलमाइटी है ना, जिसे हम बोलते मोक्ष हैं मोक्ष मिल प्रभु, जाए उसके नाम लेके मुक्त होना। किससे मुक्त होना है? अब ये भी बहुत तगड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुक्ति वाला। कुछ। ठीक है, मुक्त होना है, किससे मुक्त होना है? डिजायर्स तो खोल है नहीं, रीबर्थ, रीबर्थ कैसे, अपने डिजायर से मुक्त होना है। पहले तो ये मेटेरियलिस्टिक उसमें ही मुक्त हो जाओ। से। हम किसी को बुरा समझते हैं, किसी को अच्छा समझते हैं, कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई हमें सुख दे रहा है, ये जो भाव हैं वो बोलते हैं कि मुक्त होना है, ये भाव भी माइंड में होना नहीं चाहिए, दैट इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना, आज बहुत कुछ आएगा। सर, तो हम हाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब क्या? मुक्त अच्छा, तो होना चाहिए, लेकिन होना किससे है, डिजायर से मुक्त। पीछे का बर्थ और आगे क्या है वो किसने देखा है। आप यहां हो आज में, यथार्थ में जिए। जी। बंधनों से मुक्त होना है, षड्रियों से मुक्त होना है, अटैचमेंट ठीक है ना, एजुकेशन। हमें प्रेजेंट हमारे जो मन में विकार हैं उनसे मुक्त होना है, जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो बाधा है वो बादकेश है, उसको उन्होंने बोल दिया बादकेश। हमें कौन मुक्त होने से रोकता है, सबसे बड़ा, सबसे पहले हमारा 11th हाउस, हम इस देह को बरकरार करना चाहते हैं तो मुक्ति से रोक रहा है। ठीक है, तो हमारी मुक्ति किससे है, बात हमारे मन में विकार क्या है, कुछ मिला है ठीक है उससे हम खुश नहीं है, कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए हम नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं,
अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ऑपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को भोग विलास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को मतलब किसी को हराना है, किसी को जीतना है, ठीक है, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, अब एक गाड़ी मिल गई तो उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए, यही तो बंधन है, यही तो बाधाएं हैं। आप में से कौन कौन ऐसा इंसान है जिसने मतलब जैसे गंगा जी में, इलाहाबाद में जो त्रिवेणी है, या बहुत जो मतलब रिवर्स हैं, इनमें जाके डुबकी लगाई है? कौन है? जी मैंने छवि ठीक है, बहुत तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, चलिए इस एक्सपीरियंस पे भी आएंगे। तो सबसे पहले तो अब आपको ये चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बादकेश, मारकेश, जी बिल्कुल फलाना बिल्कुल ढिकाना, और जिसको लेके मतलब वी गॉट हॉरिफाइड, हमारे इस जन्म जो कुंडली है उसमें जितने भी लग्न हो, सबका अपने अपने तरीके से हमें कहाँ लेके जाना है, आध्यात्मिक ग्रोथ करवाकर कहाँ लेके जाना है, मुक्ति के मार्ग पे लेके जाना है। जी सर लेकिन हम इस मेटरलिस्टिक दुनिया में अटके हुए हैं, जी राइट? अभी हम डुबकी पे भी आएंगे, क्यों लगवाई जाती है, केतु का भी बहुत मतलब उपाय बताया जाता है ना, जाके होली वाटर में जाके उसमें डुबकी लगाइए, ठीक है। अब ये पॉइंट आप सबको ये चीज बतानी चाहिए थी कि बात तो जो है मतलब लिब्रा की हो रही है, एक्वेरियस साइन की हो रही है, 11th हाउस की हो रही है, अब ये बादकेश कहां से आ गया? क्योंकि एक्वेरियस साइन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो फिफ्थ 11th हाउस साइन पर और 5th साइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जी राइट? तो जी ये बादगेश, यहां पे आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था आप लोगों की तरफ से कि 11th हाउस जो है वो एरिस साइन के लिए बादगेश है, काल पुरुष कुंडली, जिसकी हम बहुत बार बार रेपिटेशन करते हैं कि हाँ जी काल पुरुष कुंडली ये वो, तो पंचम भाव में आ गया, और जो क्रिएशन है 5th हाउस है, लियो साइन है, सिंह राशि है, वो 11th हाउस में चला गया, वो तो बादकेश बन गया। और बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि अगर संतान की बात हो रही है तो लिब्राज आर वन ऑफ द लकी पर्सन, उनके हॉरोस्कोप की एनर्जी जो है बहुत बढ़िया है फॉर गेटिंग अ चाइल्ड। जी सर अब यहां तो बातें बस दोनों बादकेश हैं जी, जी सर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग फिर मैं क्यों गुड गुड कह रहे जा रहा हूं, फिर मैं तो गलत हूं ना, आप लोगों ने कंडेम्प्ट क्यों नहीं किया? सर लेकिन ये एक ग्रुप है जो पॉइंट जी इज, जो बादकेश है सर वो डिले करता है, डिले कर रुकता सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, है बट वो डिनाइल स्पॉइल या निगेट नहीं करता। ठीक है है तो लाभ का स्थान है ना, जी क्योंकि लास्ट हमारा जो लेक्चर हुआ था वहां भी बादकेश को लेके बड़ा हल्ला हुआ। ये कॉन्सेप्ट ना फॉरनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, बादकेश ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बंदा डर जाता है, और है ना, सर लेकिन वो लाभेश है, गेन्स हैं। एरिस साइन के लिए भी सबसे बड़ा बादगेश है सैटर्न है, लेकिन वो नेचुरल तौर पर गेन्स का लॉर्ड भी तो है ना, जी सर तो उसको सबसे बड़ा बादगेश क्यों बोल दिया? हमारे मेटेरियलिस्टिक गेन्स डजंट मैटर व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म का सीधा वो है कि यहां से कट ऑफ हो और
मुक्ति के मार्ग पे चलो। जितने कर्मों से कम कट ऑफ मतलब रहेंगे, उतना ही हम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ये इतनी जो कथा कही गई, इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि एक तो ये मार्गेश और बादगेश वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्लैरिटी है। हो सकता है कईयों की क्लैरिटी हो भी, और जो बिल्कुल नए हैं उनकी क्लैरिटी आए। दूसरी बात कि वो 11th साइन 5th में आ गया, और क्रिएशन का लियो का साइन जो है वो 11th में चला, यस तो वो यस बादगेश भी तो हो सकते हैं। दे कैन डिले, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डिले क्रिएट कर सकते हैं, परंतु निगेट नहीं करेंगे। निगेट मतलब कि ना नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक ठीक है जी, जी ये सर। चीज। और दूसरी बात ये है कि शनि जो है वो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। वो पंचम के वहां मूल त्रिकोण साइन है। ठीक है, जी सर जी तो वहां पर वो इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि हाँ, संतान में डिले हो सकता है। ठीक है, बट निगेट नहीं कर रहा, ना नहीं कर रहा। हाँ जी, अपर्णा जी बोलिए। इलेवेंथ साइन अक्वेरियस साइन राहु का भी तो साइन है ना, उसके बारे आएंगे में भी भाई, कुछ वहां पे बोलिए। भी आ रहे हैं अभी, आप 2 मिनट दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, अब उसके बाद खुद बोलोगे कि हाँ जी आंसर मिल गया। ठीक है, ये तो चीज हो गई एक चीज कि शनि का घर है। और दूसरी बात यह है कि शनि क्या करते हैं, शनि शनि की नेचर क्या है, शनि देव की नेचर क्या है। वो चाहते हैं कि पहले आप वर्दी हो, मैच्योर हो, उसके काबिल बनो, देन आई विल गिव यू। मेहनत करवाना, पहले काबिल बनाना, वो गुण होने चाहिए। ठीक है, अब शुक्र नारी को चंचला बोला गया। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि उन लाभ लाभ का जो स्वामी है काल पुरुष कुंडली में वो शनि। ठीक है, और अब वो 5th हाउस में है, और लियो चला गया कहां, 11th 11th में। लेवल वो बोल रहे हैं देयर, उसका इंडिकेशन है कि पहले आप परिपक्व होइए अपने उसमें, जिम्मेदारियों को समझे बच्चे की, देन आप उस संतान को पाने के काबिल बने, तब वो संतान आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब दूसरी बात हम इस पे आते हैं, बादगेश वाली बात पे। अब इनका कहना था कि मतलब राहु का भी मूल त्रिकोण साइन है। ठीक है, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। बादगेश सबसे प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट कहां देगा, सबसे ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क मार्का भी है और बादगेश भी है। जब ये 64वें नवांश का स्वामी बन रहा हो, 64वें नवांश के अंदर हो, या उसका जो संबंध है वो किसी फंक्शनल मैलेफिक, नोट करें फंक्शनल मैलेफिक, सर एक बार ये वाली फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज। वो स्वास्थ्य के लिए भी बुरा रिजल्ट कब देगा। ठीक है, वो तब देगा जब वो 64th नवांश का स्वामी बन रहा हो साथ में। 64th जो नवांश है, 64th नवांश होता है जो 8th हाउस का पहला नवांश होता है। जी, मतलब आप कह रहे हो कि बादकेश मार्केश तब बन सकता है जब वो 64 नवंबर से फैटल फिट तब प्रूव होगा फॉर हेल्थ के हो जाएगा। लिए, फैटल कब होगा, किस कंडीशन में होगा। आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द फ्यू कंडीशंस। सिक्सटी जी सर फोर्थ नवांश का स्वामी हो, 64th नवांश के अंदर हो, 64th नवांश के स्वामी के साथ संबंध बना ले। ठीक है ना, फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक होता है अयोग, अयोग जो एक तो योग कारक प्लेनेट होते हैं,
फंक्शनल मैलेफिक होंगे जिसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 वगैरह में आए, बुरे मतलब जिसने बोला गया है, उनके साथ उनका संबंध हो, ठीक है, उसकी महादशा भी आ जाए, दशा भी आ जाए, या उसके ऊपर 8th हाउस के प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाए या मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तब वो सेहत के लिए गड़बड़ हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए थोड़ा निगेट कर रहा है वो, नहीं सेहत की गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सेहत में दिक्कत देगा, पता लगा पैसा कमाने में इतना वो हो गए, सारी उम्र करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, लेकिन लास्ट में आगे वो होता है ना, वो सोने के पहाड़ पे बैठे, अब खाना तो खाना ही है, डायबिटीज हो गई, कभी टांग काट दी डॉक्टर वाले, कभी कोई बीमारी, कभी कैंसर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो जितना कमाया लास्ट में सब वाइंड अप हो गए। ठीक सर, ये हेल्थ के साथ जो लिविंग है, कारक है और उसके साथ हमारे देखो हमारी जो आम बोलचाल के जो हम लोग को उक्तियां वगैरह बोलते हैं ना, हमारे उसमें बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, जी सर। ठीक है, हम बोलते हैं बुढ़ापे में जाके नाम जपेंगे, भगवान का नाम बुढ़ापे में भक्ति करें, अरे नहीं भाई, जब आपकी काया निरोगी है जवानी में शुरू करो, इम्पोर्टेंट काम हम करियर बनाना है, इम्पॉर्टेंट काम जो, अगर मुक्ति को आप इम्पॉर्टेंट मानते हो देन यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, क्योंकि तब आपका शरीर भी साथ देगा, बुढ़ापे में पता लगा मतलब अच्छे कार्य कर रहे हैं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। पहला सुख निरोगी काया, सुख पहला, ठीक है ना। जी सर। तो इस सारी कथा से ये निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि जो ब्लैंक चार्ट एनर्जी है लिब्रा या तुला वालों की, वो क्या है कि उनको चाइल्ड का बहुत अच्छा प्रॉमिस है, बशर्ते कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वो ना हो। जी सर। ठीक है, पंचमेश जाके लग्नेश, लग्न में जाके उच्च का हो रहा है, वो प्रॉमिस करता है कि एक मेल चाइल्ड को देगा ही देगा, एक इफ सैटर्न जो है लग्न में उच्च का होता है तो एक संतति जरूर देता है। सर जी सर। ठीक है, ये तो वैदिक का ही कॉन्सेप्ट है, हाँ अभी मोनिका जी इसको बताएंगी कि हम कितना सही कह रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। यहां एक चीज और बता दूं, लियो साइन है ना, वो 11th में चला गया, जी। ठीक है, सूर्या, सूर्य भी अल्प संतति का कारक है, अल्प संतति मतलब एक एक एक, हम बोलते हैं ना सूर्य उच्च का है, उच्च के सूर्य की सबसे बड़ी निशानी होगी कि उसके मतलब सिंगल मेल चाइल्ड होगा, अल्प संतति देता है, या मतलब एक या दो मैक्सिमम, ज्यादा संतति नहीं होगी। और एक जनरल रूल है कि ऑड हाउसेज में 3, 5, 9 और 11 में, ठीक है, अगर शनि हो तो वो सप्तम और लगन को देखेगा, ठीक है, और उसपे कोई भी नेगेटिव प्लेनेट का अगर दृष्टि नहीं पड़ रही हो, कोई संबंध ना बन रहा हो, कोई योग ना बन रहा हो, तो कम से कम एक संतति तो देगा ही, ठीक है। और नोट कर लीजिए, शनि अगर मतलब ऑड साइन के अंदर बैठा है, उस पे बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन उस पे मैलिफिक की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब भी वो संतति देगा ही देगा। अगर ऑड साइन में भी सैटर्न होगा तब भी, अगर मैलेफिक दृष्टि नहीं आ रही तब भी एक दे देगा। हाँ, एक संतति तो देगा ही।
अब इक्वेरिस जो है ईस्ट में आ गया, ठीक है। वेस्ट साइन भी उसके लिए अच्छा होता है, जी वैसे वेस्ट का वो है जिसको शुक्र शुक्र रूल करता है। मतलब लिब्रा साइन के लिए या लिब्रा असेंडेंट के लिए, तुला असेंडेंट के लिए संतान जो है जरूर, मतलब एक उसको प्राप्त होगी अगर बहुत ही ज्यादा बुरे योग ना हो। सिक्स्थ हाउस में पाइसिस आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए शुक्र जाके उच्च का हो जाता है, इसका कारक कौन है? मंगल। मंगल जो है 10th हाउस में जाके उच्च का हो जाता है। तो इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, वो पैसे और औरत के लिए होते हैं। जरूर और वो युद्ध करने वाला कौन होता है? मार्स, मैन, जरूर ठीक है ना। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि लोकली की जर जोरू और जमीन, इन तीन चीजों के झगड़ा लिए झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। पठान बोलते हैं कि तीन ही कारण है लड़ाई के, पूरे जोरू संसार और में तीन कारक हैं, कारण है। जमीन। शुक्र जो है उच्च का हो रहा है छठे भाव में, और उसका कारक है मंगल। मंगल जो है वो उच्च का हो रहा है 10th हाउस के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जितने भी आप जंगे देखेंगे उसको लड़ने वाला कौन है? मार्स, मंगल। मंगल सिक्स हाउस का सिग्निफिकेशन है ना, सिग्निफिकेटर है मंगल। ठीक है जी, जी तो सर। मेरी तरफ से आज ये छोटी सी प्रस्तुति थी जिसमें कि हमने पंचम भाव। हाँ जी रजनीश जी बोलिए बोलिए। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हाँ आपने कहा शुक्र छठे भाव में यहाँ तुला राशि में उच्च का होता है, ठीक है, लेकिन मंगल दशम भाव में फिर तुला राशि में तो नीच का हो जाएगा। मैंने तुला राशि में कब बोला? मैंने बोला कि दशम छठे भाव, तुला भाव के लिए छठा भाव कौन सा है, मीन राशि। ठीक मंगल है। और वहां पर कारक छठे भाव का कारक कौन है, और शुक्र क्या है? वेल्थ, वेल्थ एंड वुमेन। सबसे ज्यादा लड़ाइयां किस लिए होती हैं? जाहिर सी बात है सर, पैसा और जितने एक मर्जी षड्यंत्र, लड़ाई, युद्ध, एक उसके क्वेश्चन और पीछे सर, का कारण ये। हाँ जी आपने कहा जैसे सैटर्न के ऊपर कोई मैलिफिक दृष्टि ना हो, जैसे बुरे या जो ना अच्छे ग्रह या शुभ और पाप ग्रह दोनों देख रहे हो, एक शुभ ग्रह भी देख रहा हो पाप ग्रह भी देख रहा हो शनि को, फंक्शनल मैलिफिक, फंक्शनल मैलिफिक क्या है? सर जैसे सर मुझे पर्सनल समझ टॉरस नहीं। अब के मोनिका प्रति, जी बता देंगे आपको फंक्शनल मैलिफिक क्या है हिंदी में। जैसे कि वृष राशि के लिए अगर वृष लग्न आ गया तो वहां पे जुपिटर बन गया क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आ गई है, हाँ तो अच्छा, अब मैलिफिक शनि होगा। जो है शनि को मैलिफिक माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये योग कारक है तुला में। तुला के लिए सबसे पूर्ण योग कारक हाँ बिल्कुल सर, योग मेरा पंचम में बैठा पूर्ण योगकारी है। ठीक है, उसको उसकी प्रॉप यहां पर आपको देखना क्या है कि राहु केतु, या जैसे आप देखें यहां पर सर मेरी कुंडली में हाँ राहु गुरु लग्न में है, अब शनि पंचम में तो दोनों देख रहे हैं, राहु भी गुरु भी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम एक संतति तो देगा, और एक बड़ी बहन, मतलब बड़ी जो बेटी, सबसे एल्डेस्ट बेटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर राहु इन मेरी फिफ्थ दो बेटियां हाउस, हैं अपर्णा ऑलरेडी, जी, दो बेटियां हैं मेरी, अपर्णा जी, राहु इन फिफ्थ हाउस। राहु इन लग्न। लगे ना, चलिए आप फिफ्थ हाउस के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, यू गॉट बोल योर रही थी, आंसर, मिल गया मैं आपको? पूछ रही थी कि नहीं, मैं पूछ रही नहीं मिला शायद, 11 जो है वो राहु का भी तो साइन है ना, तो राहु के तो लिए भी मतलब हमने क्या वेट करके बोला आप कुछ कि बोलोगे बड़ी बड़ी बड़ा बड़ी जो अच्छा सबसे एल्डेस्ट संतान है
उसके कन्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। फर्स्ट चाइल्ड संतान मतलब किसे? लड़की। हाँ ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। जी सर।